वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, आज है 15 सितंबर 2020। तो आज के दिन के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हर क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ, इसरो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो का पार्ट नंबर करंट अफेयर सीरीज का पार्ट नंबर 24 है। इसके अगले पार्ट आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? वो खिताब जीता है विक्टोरिया अजारेका ने वो खिताब जीता है। यानी ऑप्शन नंबर राइट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विक्टोरिया अजारेका दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? वो मुरैना जिले में डीआरडीओ ने रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। और डीआरडीओ ने इस घोषणा की है मध्य प्रदेश के लिए। तो डीआरडीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 को। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मध्य प्रदेश के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में रिसर्च लैब ओपन होने वाली है। तो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है लालजी टंडन और प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादकों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? यस बैंक के साथ ICICI लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादकों को बेचने के लिए करार किया है। तो ICICI ने ऐसा करार किया है। तो ICICI बैंक के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ICICI का फुल फॉर्म है। और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई पर स्थित है। और ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। ICICI बैंक की स्थापना हुई थी। MD और CEO संदीप बख्शी है ICICI बैंक के। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 से आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में 27 में एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हाल ही में एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? वो प्रतिनिधित्व किया है वी मुरलीधरन ने किया है। यानी राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और एशियन देखते ही आपको माइंड में क्लिक कर गया होगा कि एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1976 को। इसकी स्थापना हुई थी। आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में याद रख लेना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GDP के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। हाल ही में केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में केयर रेटिंग एजेंसी ने भारत की GDP 2020 की
-8.2 रहने का अनुमान लगाया है, यानी राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। और हाल फिलहाल मूडी ने भी अनुमान लगाया था, वो कितनी जीडीपी थी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो आपको याद रख लेना है के रेटिंग का क्वेश्चन आया तो 8.2 माइनस आएगा और मूडीज का आ जाएगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर मैं आपको तो भी लिख देता हूँ कौन सा है। और आपने अभी तक स्वयं स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। टेलीग्राम में स्वयं स्टडी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम में स्वयं स्टडी पेज उसको फॉलो कर दीजिए, फेसबुक में भी स्वयं स्टडी पेज है उसको फॉलो कर दीजिए, व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ट्विटर में भी जुड़ सकते हो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और लिंक्डइन में भी जुड़ सकते हो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की वैकेंसी और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आती है सबकी वीडियो में अपडेट करता हूँ। वो वीडियो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में F1 स्टकन ग्रेड पिक्स 2020 में किसने जीती है, वो जीती है लुइस हैमिल्टन ने जीती है, यानी राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन का फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो हिंदी दिवस हाल ही में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज की जागरूकता फैलाने के लिए हर साल इंडिया में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 13 सितंबर को हर साल कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। हर साल 13 सितंबर को इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। तो आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। योशिहिदे सुगा को जापान देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। योशिहिदे सुगा का फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे चुना है। हाल ही में फेसबुक के वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसको चुना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो वो किसको चुना गया है, अरुण श्रीनिवासन को चुना गया है फेसबुक वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में, यानी राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक दत्त बन गए। संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव नेशनल पार्क, तीनों नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है और मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है और मुंबई के बारे में। और अदर ऑप्शन की बात करते हैं गुजरात, तो गुजरात के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है, विजयभाई रूपाणी और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात का कैपिटल कौन सा, गांधीनगर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 से आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादकों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादकों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो जूही चावला को इमामी लिमिटेड ने हाइजीन रेंज के लिए उत्पादकों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है।
इमामी लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 को और इमामी लिमिटेड के फाउंडर है आरएस अग्रवाल और आरएस गोनका। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इमामी लिमिटेड के बारे में याद रखना है। और आपको यहाँ पर जूही चावला का भी फोटो दिखाई देगा और साथ में जो हाइजीन रेज का जो उत्पादक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया आपको वो भी दिखाई देगा। फ्रॉम द इंडियाज नंबर वन बोरो प्लस एंटीसेपेटिक मॉइस्चर सोप सैनिटाइजर एंड हैंड सैनिटाइजर जूही चावला को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाल ही में किसने यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। हाल ही में किसने यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो इंफोसिस ने इसकी घोषणा की है। यानी राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफोसिस का लोगो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इंफोसिस की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 और इसके फाउंडर है एन नारायण मूर्ति और इंफोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलोर पर स्थित है। तो इंफोसिस के रिगार्डिंग आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है और क्वेश्चन 12 के बारे में आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किसको चुना गया है? एलेक्सा के लिए जो वॉइस चाहिए इसके लिए किसको चुना गया है? इसके लिए अमेजोन ने अमिताभ बच्चन को चुना है। गूगल अमेजोन का जो एलेक्सा है इसके लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। अमेजोन ने ऐसा किया है। तो अमेजोन का आपको लोगो यहाँ पर दिखाई देगा और आपको ऐसा दिखाई देगा A to Z का मीनिंग है कोई भी प्रोडक्ट आपको अमेजोन में मिल जाएगी इसके लिए अमेजोन में ही एक एरो दिखाया है A to Z। और अमेजोन के फाउंडर है जेफ बेजोस, उसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट में और उसकी स्थापना हुई थी July 5, 1994। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन एंसेंट वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? वो उस पुस्तक का विमोचन किया है एस जयशंकर ने, हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है विजय एस जयशंकर ने। हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर इन इंसेंट वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यानी 14 नंबर का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय जिला अदालतों को प्रशासनिक भवनों आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है? वो घोषणा करने वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। उच्च न्यायालय जिला अदालतों प्रशासनिक भवनों आदि के लिए विशेष बल गठित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है आनंदी बेल पटेल और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ लखनऊ कौन सी नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा आता है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, वो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। तो आपको 15 नंबर के क्वेश्चन के बारे में आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। मैं इतनी अपडेट आपके लिए लेकर आया।